माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हमने बर्फ़ी तैयार की है। जो भी हमारा चैनल पर न्यू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, बिग फूड सीके में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे बर्फ़ी बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। आप लोगों और से देखें, एक एक टिप्स को फॉलो करें, हम ब्रेड से बर्फ़ी को तैयार करें। बहुत आसान रेसिपी है ये। आधा कप हमने शुगर इस्तेमाल करनी है, सभी साइड पे अभी करते हैं। ये बादाम में कुछ डेकोरेशन करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये भलाई है घर के दूध की है। ये एक कप हमने दूध डालना है। इसको सबसे पहले चूल्हे पर चढ़ाते हैं, साथ ये भी डाल देते हैं। सारी डालेंगे इसमें, सारी इसमें डाल के ना चूल्हे पे रख देते हैं। इतनी देर में दूसरा काम कर लेते हैं हम। ब्रेड को बताते हैं, ब्रेड को हम किस तरह डालेंगे इसमें। ये देखिए, मैंने 6 ब्रेड ली हैं, 6 पीस हैं, 6 पीस हैं। इनको साइड पे करते हैं, इस तरह हमने कटिंग करनी है। ये जो साइडें ना सारी हम उतार देंगे, सारे पीस इसी तरह हमने काटने, फिर आगे शेयर करते हैं। ये देखिए, मैंने चारों तरफ से काट लिए, इसी तरह हम बाकी का भी काट लें। ये देखिए, हमने सारे उतार लिए साइडों से किनारियाँ। इनको फेंकना नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। आप ब्रेड क्रम्स बना लें, किसी भी आलू के स्नैक्स हैं, कोई टिकियां बना रहे हैं ये लगा लें। ये देखिए, हमने सारी बना लिए, काट ली अच्छी तरह से। अभी दूध को देखते हैं। ये देखिए, जिस ट्रे में बर्फ़ी डाली है उस ट्रे में मैं बटर पेपर लगा दूंगी, उसे हल्का सा ऊपर से मैं ग्रीस करूंगी। मैंने इसलिए छोटा काटा है क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी बर्फ़ी नहीं है, थोड़ी सी है। बिल्कुल एक पाव दूध की हम बना रहे हैं। ये देखें, दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा गाढ़ा होना दूध, फिर डालते हैं हमने सारी। ये देखें, बलाई भी साथ डाली थी। ये देखें ब्रेड है, इनको मैं ऐसे चूरा करके ना ऐड करूंगी इसमें। ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आप जार में भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, साथ साथ इस तरह मैं इसे मैश करती रहूँगी ताकि अच्छी तरह से हलवा सा बन जाए। बगैर कुकिंग ऑयल के, बगैर देसी घी, कोई घी वगैरह हमने नहीं डाला है। इसको जो बलाई डाली है उसी का घी निकलेगा इसके अंदर। ये हम दम वाली आंच पे तैयार करेंगे, तकरीबन 5-6 मिनट लगते हैं, हमारी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की बर्फ़ी तैयार हो रही है। ये देखिए, हमने कोई घी वगैरह नहीं डाला, ना ही कुकिंग ऑयल डाला। ये देखें, देसी घी खुद इसके जो पलाई हमने डाली थी उसमें से निकल रहा। ये देखें, आंच इसकी बिल्कुल हमने दम वाली आंच पे तैयार कर रहे हैं। बहुत आसान है ये मिठाई बनाना, हलवाई से बेहतर आप घर में बना सकते हैं। शुगर डालेंगे, 1-2 मिनट के हमें पकाना है। अगर आपको इसमें कलर डालना चुटकी भर, आप येलो कलर डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाता है। लाइट सा कलर आप येलो डालें, मैं वो कलर के बगैर ही तैयार कर रही हूँ। चीनी मेल्ट हो फिर आगे शेयर करते हैं। अच्छा, देखिए हमारी बर्फ़ी रेडी हो गई है, इसे ट्रे में ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए किस तरह इसने भलाई का घी निकल रहा है। ये देखें माशाल्लाह, 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे इसको। ये सारी इसमें ट्रांसफर करते हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं। ये इसमें इस तरह हमने सेटिंग करनी है, जितनी लेयर इसकी आपने मोटी रखनी है उस हिसाब से रखें आप।
बहुत मज़े की बर्फ़ी तैयार है। बहुत आसान है ये बर्फ़ी बनाना। आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं, मिठाई लेते हैं, ये बर्फ़ी भी उसमें होती है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह हमें इसको साइडों से करेंगे। क्योंकि हमने इसकी लेयर थोड़ी सी मोटी रखनी है। इस तरह ऊपर से सेट करेंगे। ऊपर से थोड़े से बादाम डाल देते हैं। अगर पसंद है तो डालें, नहीं पसंद ना, बहुत मज़ा आता है इस तरह बादाम बर्फ़ी में हो तो। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। हमने जो काटे थे ना बादाम, वो सारे डालेंगे। ये देखिए ऊपर से हमने इस तरह इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। अभी गर्म है तो इसमें सही सेट हो जाएंगे बादाम। हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं है कि सारी बर्फ़ी आगे पीछे इसकी जो डेकोरेशन की है एक ही जगह रहे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की हमने बर्फ़ी तैयार की है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें। तो 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देते हैं, 10 मिनट बाद शेयर करते हैं, फिर बर्फ़ी का रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। ये बर्फ़ी ऐसी है मुंह में घुल जाने वाली है। आप बाज़ार से जब मिठाई लेते हैं तो ऐसी बर्फ़ी होती है, बहुत ही प्यारी नाइस हमने बर्फ़ी तैयार की है, मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी। अभी इसको पलटी करते हैं। ये देखिए हमने उठा लिया सारी। बटर पेपर उतार देते हैं। इसकी कटिंग करते हैं थोड़ी सी। जिस तरह मर्जी आप इसकी कटिंग करें, चाहे गोल करें, चकोर करें, जिस तरह पसंद है आपको उस तरह कर सकते हैं आप। इस तरह हम सारी कर लेना। ये देखिए हमने इस तरह अपने हिसाब से कटिंग कर लिया। आपको जिस तरह पसंद है उस तरह आप कटिंग कर सकते हैं। प्लेट में सर्व करते हैं, इसे साइड पे करते हैं, प्लेट में सर्व करते हैं। बहुत प्यारी बर्फी तैयार है, बहुत खूबसूरत अंदाज से हमने तैयार किया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की बर्फी तैयार हुई। ये देखिए कितनी प्यारी मुंह में घुल जाने वाली बर्फी। ब्रेड से हमने बनाई है, दूध से बनाई है, बलाई डाली है घर की, बहुत मज़े की तैयार हुई है बर्फी। इस तरह से बनाए मज़ा आ जाता है खाने का। एक पीस मैं आपके सामने तोड़ती हूँ। ये देखिए कितनी नरम है बर्फी हमारी। ये देखें इसके अंदर दाने, देखें कितने प्यारे दाने दाने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।